बनासा क्षेत्र के दबंगों द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों का राशन पानी बंद करने का मामला सामने आया है। प्रताड़ित 7 परिवारों ने एसपी के समक्ष शिकायती आवेदन देकर प्रताड़ना से मुक्त करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मनासा तहसील के महागढ़ में जातिगत प्रताड़ना को लेकर मनासा थाने में प्रकरण दर्ज कराना 7 परिवार को महंगा पड़ गया। इन 7 परिवारों के लोग गांव में किसी भी सदस्य से ना तो बात कर पा रहे और ना ही वे गांव से पानी ले पा रहे। इतना ही नहीं, उन्हें गांव की किराना दुकान से सामान भी नहीं लेने दिया जा रहा है। इस तरह की यातना जनपद पंचायत मनासा की ग्राम पंचायत के महागढ़ के 7 परिवारों के लोग सहन कर रहे हैं। शनिवार को पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वाल्मीकि समाज के द्वारा दिए आवेदन में बताया गया कि महागढ़ में 30 मई को रात्रि में जातिगत प्रताड़ना पर थाना मनासा में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिससे आरोपी बौखला गए। दुकानदार को धमकी देकर हमारा राशन पानी बंद करवा दिया, पानी लेने के लिए भी मना कर दिया गया है। दुकानदारों ने जातिगत गाली दे रहे हैं। समाज के लोगों ने बताया कि उक्त लोकेंद्र पिता ईश्वर सिंह, सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सुजान सिंह, राहुल दरबार सिंह ने समस्त दुकानदारों को धमकी दी। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं मागड़ के रहने वाला हूँ, नाम समृत है। मेरे साथ में घटना हुई है, मैं दुकान पर गया था ठंडा की बोतल लेने के लिए, तो वहाँ पर मेरे ठंडा की बोतल लिए और मैं टेबल पर बैठ गया, तो एक ठाकुर समाज का लड़का आया तो वो मेरे से बोलने लगा, वोट भंगड़े तेरी औकात क्या है, तो मेरे बरूबर भी बैठता है, तो उसने मेरे साथ लात की मारी और मैं नीचे गिर गया। तो मैंने भैया को फ़ोन लगाया, भैया को फ़ोन लगाने के बाद भैया आया तो उसने समझाया तो नहीं समझ रहा, तो भैया के साथ में मारपीट की उसने और घर पे भी जाके गाली गुलज की और फाटे चलाए। तो हम मनासा आए थाने पे, तो मनासा थाने पे रिपोर्ट भी की तो उसने कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी, तो इसलिए हम साथ से आए यहाँ। अभी क्या हो रहा है वहाँ पे गाँव में? हमारा राशन पानी सब बंद करवा दिया वो गाँव वाले। क्या कहते हैं दुकानदार? दुकानदार वो बोलते हैं कि गांव में राशन पानी सब बंद, तुम्हारा वो गांव का दबाव डाल रखा दुकान वालों को। कितने परिवार का राशन पानी बंद कर? 4-5 घर। कौन लोग है गाँव के? कौन लोग? ठाकुर समाज के। इस मामले में CSP राकेश मोहन शुक्ल ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे और गांव में सद्भावना शिविर लगाकर ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित कराएंगे। अब तक ऐसे मामले आए नहीं, इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे। आपके द्वारा शिकायत की गई है, इसमें गांव में चाय पीने और इसको लेकर विवाद हुआ, जो कि आगे बढ़ने पर जैसा इनका कहना है कि उसका पानी और लोगों का आना जाना बंद किया गया। इसमें हम इसको दिखा रहे हैं और बिल्कुल पूरी तरह से इसमें जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं होने दिया जाएगा कि कोई किसी को गांव में नहीं रहने दें। निश्चित रूप से अपने गांव में जा सकते हैं, बिल्कुल भयमुक्त माहौल में रह सकते हैं और इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी।